इसी क्रम में पूरी टीम ने, नीलाब्जा ने, अमित ने, अवनीश्वर नहीं आए हैं शायद, अगर अवनीश्वर आए होते तो मैं उनका नाम लेता, अवनीश्वर ने, कासिम ने, या एक पूरी टीम ने दो बड़ी चीज़ें यहाँ की और एक इसी तरह की चीज़ें जिससे शायद हमें क्राइम रोकने में मदद मिले, वह 112 में कल मैं और एडीजी 112 मिलकर कर रहे थे, जो आज पूरा हो गया है। अब तीनों चीज़ों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं नहीं करके, मैं नीलाब्जा को कहूँगा, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेगा, जो ऐप है उसे मैं करूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का एक वेबसाइट बना है, यह वेबसाइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जब भी आपको कुछ भी जानना होता है तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। जिन्होंने डेवलप किया है नवीन, वो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें, नितिन यहाँ पर है, जिसने मेहनत की, अ लॉट ऑफ पीपल हैव वर्क्ड। मैं चाहूँगा बिना समय गवाए पहले मैं वेबसाइट देखूँ। दूसरा जो बहुत मतलब की चीज़ है, एक ऐप डेवलप किया गया है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम इधर देख सकें, और तेज़ी से मैं यहीं से बताता जाऊँगा, यह एक वेबसाइट व्यंग रचनाएँ सेवा में है, ये मोटो है हमारा, एक पीछे चले जाएं, ये हमारा मोटो है जिसे हम लोगों ने डिवाइस किया है, प्रेस नोट आपको मिल जाएगा बिल्कुल, लेकिन वो इस वेबसाइट के लिए नहीं मिलेगा। वेबसाइट आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा यदि आप चाहेंगे, लेकिन आप यहाँ ले भी सकते हैं जितना ज़रूरत हो। मैं सिर्फ रन थ्रू कर रहा हूँ सो दैट पता रहे कि एक, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी बड़े महानगर की वेबसाइट में हो, उससे अधिक इसमें स्कोप दिया गया है। और या हम आगे ऐप पे आ गए, वेबसाइट और दिखा सकते हो आप वेबसाइट पे ले जाओ, पहले हम वेबसाइट दिखाना। सेवा में आपकी आपकी रक्षा करना, आपकी सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है, यह इस मोटो का मीनिंग है। एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ कि नीलाब्जा सर, सीपी सर ने ये डायरेक्ट किया था हम लोग को, नीलाब्जा टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर इन कार्ड्स में, इन टाइल्स में प्रदर्शित रहेंगे और अपडेट होता रहेगा। आप देख पा रहे हैं जो भी प्रेस विज्ञप्तियाँ हैं या जो भी इंफॉर्मेशन की स्निपेट्स हैं वो सब यहाँ पर प्रदर्शित है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि स्टैंडर्ड नेशनल और इंडियन ऑफिसर्स के नंबर्स हैं इसमें, उनके ईमेल आईडीज भी हैं। कि हमने सभी बड़े महानगरों की, बड़े मेट्रोज की वेबसाइट को पहले काफ़ी देखा और उनसे जितनी अच्छी चीज़ें हमें मिल सकती थी, स्पेशली सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें जो हमें मिल सकती थी, जो लोगों को मदद कर सकें, उनको हमने इसमें ज़रूर डाल दिया है। इसीलिए आप जितनी चीज़ें देखेंगे उस पर्टिकुलर टैब में जो सिटीजन सेंट्रिक है नागरिक के लिए, उतना नॉर्मली किसी भी जगह के वेबसाइट में नहीं होता है। हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो दिया है कि आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, कोई गलती पुलिस की दिखे, आप हमें इस पर तुरंत इन्फॉर्म करें, वह सीक्रेट भी रहेगा और यह कोशिश रहेगी कि हम आपको तुरंत वापस इस पर कनेक्ट करें। जो यह बनाया गया है इसी का पार्ट टू, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह यह है, आज की तारीख में हम आप किसी को, किसी के परिवार को बहुत सारे वेरिफिकेशंस कराने होते हैं पुलिस से, और यह कैरेक्टर वेरिफिकेशन 25 तरह की चीज़ों के लिए हो सकता है। हमारा हम किसी ठेकेदारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी अपने अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए होता है कि हमारे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है। हमें आने वाले समय में, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हम किराएदार रखते हैं, हमें ज़रूरत होती है जानने के लिए इसका कहीं कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। तो ये हम पीवीआर कहते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं। जो अभी की प्रोसेस है वो हम मैनुअल हम करते थे लखनऊ में, और इस मैनुअल को करने में ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें 3 से 4 महीने तक लगता था। अगर आपने आज की तारीख में अप्लाई किया है तो आपको वह वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने में लगभग 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक लग जा रहे हैं,
और यह प्रोसेस यह होता है अभी की तारीख में कि हम जाते हैं, जो हमारा अकाउंट्स ऑफिस है या बड़े बाबू का ऑफिस जिसे हम कहते हैं हेड क्लर्क का ऑफिस, उसमें अप्लाई करते हैं। 50 रुपये की एक रसीद हमें दीजिए, 50 रुपये हम जमा करते हैं और उसकी एक रसीद पाते हैं। एक मैन्युअली फॉर्म भरते हैं वहाँ पर जाकर, जब फॉर्म भरते हैं उसके बाद वह प्रक्रिया शुरू होती है और यह पुलिस ऑफिस से सबसे पहले भेजी जाती है थाने को, थाने से यह जाती है चौकी को, वहाँ से वेरीफाई होती है, फिजिकली जाकर वेरीफाई किया जाता है और फिर वह वेरीफिकेशन होकर वापस थाना आता है, थाने से हेड क्लर्क के ऑफिस आता है। यह वेरीफिकेशन ख़त्म होने के बाद फिर हम इसको भेजते हैं DCRB, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है उसमें भेजते हैं, वहाँ फिर यह जाता है, वहाँ से वेरीफाई होता है, चेक होता है, बाकी जिलों से चेक होता है, वह वापस फिर इसी प्रक्रिया से वह आता है। जब दोनों वेरिफिकेशन हो जाता है तब फिर हम इसे भेजते हैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस यूनिट में, वहाँ से फिर वेरीफाई होता है और दो मिनट वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर यह हमें आता है। तो होता क्या है कि थाने से हमारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन 1 महीना लगता है, उसके बाद हम इसे भेजते हैं, हम भेजते हैं इसको DCRB, वहाँ से 1 महीना लगता है, फिर हम भेजते हैं इसको इंटेलिजेंस ऑफिस, वहाँ से 1 महीना लगता है। और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम दूसरी भी होती है, सबसे पहले हम अकाउंट्स ऑफिस जाएं, वहाँ पर मैन्युअली एक फॉर्म भरें, 50 रुपये की रसीद दें, फिर लेने के लिए जाएं और उससे जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके, और ये बिल्कुल अपने आप का एक इंडिजिनस ऐप बनाया गया। और इसमें अब हम लोगों ने यह किया कि हम में से कोई भी, हमारे परिवार में से किसी को अगर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए किसी भी चीज़ के अगर फॉर्म भरना है और पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना होगा, देयर इज नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट। आप यहां से बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरिए, 50 रुपये का उसमें जो लगाया जाता है एक RTGS के मामले माध्यम से, या 3-4 ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, 50 रुपये आप जमा कर दीजिए, सो दैट यू डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी पुलिस पर्सनल। और यह हम अभी 15 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, 4 महीने के से घटाकर, एक्चुअली इसे घटाकर हम 7 दिन कर ले जाएंगे। और पिछले 1 महीने से हम इसको ट्रायल रन पे रखे हुए थे, बिफोर वी केम टू यू, आपके माध्यम से बताने से पहले हम इसको ट्रायल रन पे रखे हुए थे। और कितने, 40,000, लगभग 40,000 वेरिफिकेशन हमने कर भी लिए हैं, पेमेंट जो आया है डिवाइडेड बाई 50 कर लीजिए, उतना हो गया है। और एवरेज टाइम जो अभी लग रहा है वो 7 से 10 दिन के अंदर हम यह सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं। इसलिए आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले हम लोगों ने इसका ट्रायल रन बहुत किया है कि कहीं कोई एरर ना आए, और जितनी छोटी छोटी कमी थी उसको पूरा करके हम यहाँ ले आए हैं। अब यह हो कैसे रहा है, हो यह रहा है कि जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से पुलिस ऑफिस पहुँचता है, हम एक साथ इसे तीनों जगह डिस्पैच कर रहे हैं, ऑल बीइंग डन ऑनलाइन। हम इसे थाने को भी भेज रहे हैं, हम इसे LIU को भी भेज रहे हैं, हम इसे DCRB को भी भेज रहे हैं, एंड सभी चीज़ साइमल्टेनियसली इसको प्रोसेस करा ले रहे हैं, सभी की रिपोर्ट भी साइमल्टेनियसली चली आ रही है। इससे क्या होता है कि कोई डिले नहीं हो रहा है, किसी को आना नहीं पड़ता है, पैसा पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अप्लाई किया है और उसका टाइम पीरियड से अधिक समय, मान लीजिए कोई थाना ले रहा है, यह कंप्यूटर खुद हमें शो करने लगता है कि यहाँ पर यह डिले हो रहा है, जिससे कि हम उसे नोटिस देके संभाल सकते हैं। कोई भी कंपनी इसकी ऑथेंटिसिटी को ऑनलाइन चेक कर सकती है, आपने कहीं अप्लाई किया है, किसी कंपनी को ज़रूरत है, वह कंपनी को भी नहीं भागना पड़ता है। आपको पता होगा, आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं उसको भी बहुत समय लगता है, पर उसका नेट लूज़र कौन होता है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बिकॉज कंपनी वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगा देती है, उसको दौड़ना पड़ता है। हमने इसे ओपन कर दिया कि अगर किसी कंपनी को हमसे कोई भी सर्टिफिकेट देखना हो, वी विल नॉट इवन चार्ज द कंपनी,
प्राइवेट कंपनीज इसका 5,000-8,000 चार्ज भी करती हैं, हम 1 रुपये, इट इज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, इसलिए हम इसे ओपन रखेंगे कि जिसको भी इससे फ़ायदा लेना हो वह इस चीज़ को ले लेगा। अब इसमें इसकी ट्रैकिंग बहुत आसान है, मेरे लेवल पर, आपके लेवल पर, आपने अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ मूव कर रही है और कितने जल्दी आपको यह वेरिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही यह वेरिफिकेशन होता है उसी तरह आपको एक SMS पहुंच जाएगा, तो आप ना पुलिस ऑफिस में किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ना कहीं और डिपेंडेंट रहते हैं यह जानने के लिए, ना किसी की मर्सी पे रहते हैं, मैं अगर यह वर्ड यूज़ कर सकूं, कि आपको चरित्र सत्यापन हो रहा है, किसी के आगे पीछे भागना है, इनमें से कुछ भी नहीं करना होता है, यह इत्मीनान से आपको मिल जाता है आपके SMS पे। हमने इसे 2 लैंग्वेज में रखा है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, जिसमें आपको फॉर्म भरना हो उसमें भर लेंगे। पेमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, UPI है, वॉलेट है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ज़रूरत होगी हम इसमें और भी चीज़ इन्फॉर्म कर लेंगे। एक कॉलम इसमें अगर चले जाइए तो दिखाते चले जाए, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, एक कॉलम इसमें आप जा सकते हो चरित्र सत्यापन पे, आप चले जाओ, फिर एक बार मैंने समझाया है, रन थ्रू कर लेंगे। लास्ट पॉइंट इसका है, एक कंप्लेंट भी हमने इसमें भी डाल रखा है, यदि आपको इसमें कोई भी कंप्लेंट हुई इस पूरे प्रोसेस में, चौकी लेवल पर, किसी लेवल पे, हमें आप तुरंत इसे बता देंगे, जिससे कि हम इसको तुरंत सुधार सकते हैं। यह एक नई चीज़ हम लेकर चल रहे हैं। अब इसका पार्ट 2 यह होगा कि हम इसमें किराएदार का भी सत्यापन कराएंगे। अभी तक ओनस रहता है पुलिस पर, थाने पर, कि हम घूम घूम कर, यह कभी हो ही नहीं सकता है, किसी शहर में नहीं हो सकता, किसी कमिश्नरेट में नहीं हो सकता है। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि यह एस्टैब्लिश जैसे ही हो जाता है, आपके माध्यम से हम फिर डेट फिक्स करेंगे लोगों को, कि जब भी कोई किराएदार उनके यहाँ आता है या किराएदार है, एक टाइम पीरियड के अंदर उन्हें हमें सूचित करना होगा, उस किराएदार का आधार कार्ड, उस किराएदार के बारे में जो वो जानते हैं, जिससे कि आपके हमारे मोहल्ले में, अगल बगल में, यह सुनिश्चित हो सके कि कोई टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति ना हो जाए, कोई टेररिस्ट ना हो, कोई अवांछनीय तत्व ना हो, रैंडमली इसको जब भी चेक किया जा सकेगा, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू से रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट। इसको आप देख सकते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बहुत बहुत यूज़र फ्रेंडली है, और अभी तक 40,000 डिवाइडेड बाई 58,000 लोगों ने जो अप्लाई किया है, और जिनको 7-8 दिन के अंदर यह मिल गया है, उनमें से सभी ने रेटिंग इसकी 10 में 10 दी है। इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा, मेरा कोई योगदान नहीं रहा, एक्सेप्ट कि मैं चाहता था यह बन जाए।